विंटर के लिए भी बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। इसका फैब्रिक ना बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है एंड ये ना मुझे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लगा। दिस इज द जीन्स आई गॉट सरोजिनी नगर मार्केट में। देयर आर सम शॉप्स जो कि आपको ऑनलाइन डिलीवर भी कराते हैं। सो हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल द इवन मिस। सो आज की वीडियो होने वाली है सरोजिनी नगर मार्केट हॉल एंड इट्स गोना बी ट्राई ऑन हॉल, जिसमें मैं आपको सारी क्लॉथिंग आइटम्स जो मैंने परचेज किया है वो मैं आपको वियर करके दिखाऊंगी, सो दैट आपको एक पूरा आइडिया मिल जाए कि किस टाइप की क्लॉथिंग आइटम्स आपको मिल सकती है सरोजिनी नगर मार्केट में। एंड ऑल्सो दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ शॉप नंबर्स भी आपको बताने वाली हूँ जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी क्लॉथिंग आइटम्स मिल जाएंगी। एंड आई हैव शॉप्ड मेनी थिंग्स एंड इतने प्रिटी कलर्स मैंने वहाँ पर देखे, सो आपको भी वो बहुत ज्यादा पसंद आएगा। आई हैव शॉप्ड क्लॉथिंग एंड फुटवेयर, ज्वेलरी, तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। एंड जितने भी मैं आइटम्स दिखाऊंगी इस हॉल में आपको, वो अंडर ₹200 होने वाली है। उसमें से सिर्फ एक ही आइटम है जो कि ₹250 की है, बाकी सारी ही आइटम्स ₹200 की है। सो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेंगी वो सारी चीजें। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल सो प्लीज डू सब्सक्राइब, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट थिंग आई गॉट फ्रॉम सरोजिनी नगर इज दिस क्यूट ग्रीन कलर स्वेटर। एंड ना मुझे इसका स्पेशली मुझे इसका ग्रीन कलर ये बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने इसको परचेज किया। एंड ऑल्सो इसकी ना नेक पे इस टाइप का कट है इसकी नेक पे एंड इट्स अ क्रॉप स्वेटर। लाइक यू कैन सी, ये पूरा फुल लेंथ स्वेटर नहीं है, ये क्रॉप स्वेटर है एंड ये पूरा ना फुल स्लीव्ड स्वेटर है। एंड ऑल्सो ना ये आपको थोड़ा बैगी काइंड ऑफ लुक देगा, बैगी स्वेटर टाइप लुक देगा। सो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया एंड इट्स अ वुलन स्वेटर, सो ये पूरा ठंड में भी बिल्कुल ऐसे ठंड से बचाएगा। सो ये विंटर के लिए भी बिल्कुल एप्रोप्रिएट है एंड ऑल्सो आप विंटर के साथ साथ अपना फैशन भी इसके साथ फ्लॉन्ट कर सकते हो। एंड आई गॉट दिस फॉर जस्ट ₹200। सो मैं आपको इसकी लोकेशन भी बता देती हूँ। जैसे ही आप सरोजिनी नगर मार्केट में गेट नंबर 3 से एंटर करोगे, सो कॉर्नर पर ही ना एक फूड स्टॉल होगा, उसके जस्ट 7 से 7 वाली ही शॉप ये मिल जाएगी आपको। एंड उस शॉप पे आपको स्वेटर्स 100-200 रुपीज में बहुत ही अच्छी अच्छी वेराइटीज मिल जाएगी एंड ऑल्सो बहुत ही सारे कलर्स मिल जाएंगे। तो मैंने भी ये वाला परचेज किया क्योंकि इसका कलर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मुझे। सो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट आइटम इज दिस इज अगेन अ स्वेटर एंड इसका भी मुझे कलर ही सबसे ज्यादा अच्छा लगा एंड इसको भी मैंने कलर के वजह से परचेज किया है। एंड इट इज ऑल्सो वुलन स्वेटर जो कि ठंड से बिल्कुल बचाता है ना, विंटर्स में इसी टाइप के क्लॉथिंग वगैरह चाहिए होती है। सो मैंने ये परचेज किया विंटर के लिए एंड बहुत ही ज्यादा सिंपल स्वेटर है, यू कैन सी। एंड ये फुल स्लीव्ड स्वेटर है एंड इसका फैब्रिक ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल ऐसे हार्श नहीं लग रहा है, ना ऐसे ईचिंग वगैरह बिल्कुल नहीं करेगा ये, तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। क्योंकि ना काफ़ी वुलन स्वेटर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ईचिंग करते हैं, बट ये बहुत ही सॉफ्ट है तो बिल्कुल भी ईचिंग का तो इशू बिल्कुल नहीं होगा इसमें। एंड अगेन इसके ये सेंटर में ना बटन्स की डिटेलिंग है, ये बहुत ही अच्छी लग रही है। और एंड ये भी आपको बिल्कुल बैगी काइंड ऑफ लुक देगा, ऐसे थोड़ा लूज लूज स्वेटर्स जो होते हैं ना उसी टाइप का ये लुक देगा। आप सरोजिनी नगर में जाओगे तो बिक्सी लेन में बहुत सारी शॉप्स आपको मिल जाएंगी जहां पर आपको टॉप या अभी तो स्वेटर्स वगैरह ही मिल रहे हैं विंटर के लिए, तो वहां पर आपको ₹200 तक के ना काफी शॉप्स होती है जिसमें सिर्फ ₹200 की सेल चल रही होती है। वहां से आप कुछ भी पिक कर सकते हो जस्ट फॉर ₹200 एंड ये वाला भी मैंने ₹200 में लिया है क्योंकि इस शॉप पे भी सेल चल रही ₹200 में। सो या आई गॉट दिस वन ऑल्सो एंड अगेन कैमरा में इसका कलर पता नहीं चल रहा है बट इन रियल इट इज रियली वेरी वेरी कूल कलर। इस टाइप के कलर्स थोड़े लोकल मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको सरोजिनी नगर मार्केट में सब कुछ मिलता है गाइस, सारे कलर्स आपको अवेलेबल होंगे। इस टाइप के कलर्स मोस्टली आपको ज़ारा या H&M वगैरह पे ही मिलेंगे एंड सरोजिनी नगर मार्केट में भी मिलेंगे। सो कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे जो कि दिल्ली से नहीं होंगे, बट सैड होने की बात नहीं है, सरोजिनी नगर मार्केट में देयर आर सम शॉप्स जो कि आपको ऑनलाइन डिलीवर भी कराते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में काफी सारी शॉप्स आपको ऐसे दिखाई हैं जो कि ऑनलाइन डिलीवर भी कराते हैं, मैं उन वीडियोस का लिंक आई बटन में दे दूंगी, सो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी शॉप पसंद आ रही है, लाइक शॉप नंबर आपको कुछ भी पसंद आ रहा है, पर्टिकुलर ड्रेस आपको पसंद आ रही है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM भी कर
सकते हैं, मैं वहां पर उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड करा दूंगी। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस बिकॉज मैंने ये जस्ट 200 रुपीज में लिया है। एंड ये ना मैंने अर्बैनिक पे आई थिंक चेकआउट किया था एंड ये वहां पर 999 रुपीज का था। एंड आप खुद देख सकते हो सरोजनी नगर में मुझे जस्ट ये 200 रुपीज का पड़ा। बहुत ही ज्यादा बेस्ट डील होगी ये। एंड द नेक्स्ट थिंग आई गॉट इज दिस। This is also a sweater, full sleeved sweater. And मुझे ना high neck sweater वगैरह चाहिए थे, so I got this. ये पूरा high neck है and इसके ना front पे बहुत ही अच्छी से detailing हुई हुई है lines की, ऐसे ऐसे I don't know what to call this, but इस type की lines आपको मिलेंगी. And also इसके ना sides पे इस type के buttons हैं which is enhancing its look. And ये दोनों ही side पे है. सो ये वाला स्वेटर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से फिट आया है, बिल्कुल बॉडी हगिंग स्वेटर्स जो होते हैं उसकी तरह आया है। एंड इसका भी ना मुझे थोड़ा ना विंटर्स के लिए ब्राउन टोन में कुछ चाहिए था, सो मैंने ये ले लिया। एंड ये भी मुझे 200 रुपीज का पड़ा है, उसी शॉप से लिया है मैंने जिस शॉप से मैंने ब्लू वाला स्वेटर लिया था। सो द नेक्स्ट थिंग इज दिस। दिस इज नॉट अ स्वेटर, इट्स अ टॉप। एंड ये ना मुझे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लगा। एज यू कैन सी इसकी स्लीव्स बिल्कुल ऐसे ओपन स्लीव्ड टॉप है, ये इस टाइप की स्लीव्स है इसकी बिल्कुल लूज, तो मुझे थोड़ी डिफरेंट लगी। एंड इसका कलर अगेन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ना बहुत ही ज्यादा पिकी हूँ अपने क्लोथ्स को लेकर, मैं वही परचेज करती हूँ जिसके कलर्स बहुत ज्यादा थोड़े डिफरेंट एंड अच्छे लगते हैं। सो या आई गॉट दिस वन। एंड इसका ना बहुत ही अलग सा ग्रीन कलर है एंड मुझे नहीं पता इसका फैब्रिक क्या है, बट ये थोड़ा वेलवेट काइंड ऑफ लग रहा है। एंड इसके बैक पे ना ये जिप भी दी हुई है, सो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसको मैंने इसलिए परचेज किया क्योंकि ये पैंट्स के साथ भी अच्छा लगेगा एंड इट विल ऑल्सो लुक गुड विद जीन्स एंड हाई बूट, सो वही दिमाग में रखते हुए मैंने ये परचेज किया है। And I got this for ₹250. And guys, मैंने ये वाला टॉप भी सरोजनी नगर मार्केट से ही लिया है which I'm wearing right now. And ये ना ब्लू कलर में एंड इसमें ना छोटे छोटे ऐसे बेरीज टाइप बनी हुई है, आई डोंट नो ये स्ट्रॉबेरी है। एंड बहुत ही कूल टाइप कलर है इसका। एंड इसके टैग पे ना ये जारा भी लिखा हुआ था, लाइक जारा का टैग इस पे लगा हुआ था, सो आई डिडंट रिमूव इट बिकॉज आई वॉन्टेड टू शो यू। इसमें जारा का टैग लगा हुआ था एंड दिस वॉज ऑल्सो फॉर ₹200। एंड ये शॉप नंबर आई थिंक 192 थी, मैं अभी कन्फर्म नहीं हूँ, मैं नीचे मैंशन कर दूंगी कौन सी शॉप नंबर से मैंने ये टॉप लिया था। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। अब मैं जो भी आपको दिखाने वाली हूँ वो थोड़े हाफ स्लीव या कट स्लीव टॉप होने वाले हैं, थोड़े विंटर की कलेक्शन मैंने आपको दिखा दी है, अब थोड़ा समर के लिए भी मैंने थोड़ा साथ के साथ शॉपिंग कर ली थी, सो वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सो द नेक्स्ट थिंग इज दिस। ये बहुत ही ना बेसिक सा टॉप है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड इसका बहुत ही ज्यादा ब्राइट कलर है, ऑरेंज कलर, कट स्लीव्स टॉप है ये। एंड ये जस्ट मुझे 150 रुपीज का मिला, लाइक जो सेल लगी हुई होती है वो राउंड सा, उसमें मुझे ये 150 रुपीज की सेल में मिला, तो मैंने ये ले लिया क्योंकि ये भी जीन्स वगैरह के साथ अच्छा लगेगा एंड ऊपर से मैं डेनिम इसके साथ पेयर अप करूंगी, उसके साथ भी ये बहुत ही अच्छे से जाएगा। सो या आई गॉट दिस वन ऑल्सो। नेक्स्ट टॉप इज दिस। एंड ये नियॉन कलर में है, पैरेट नियॉन कलर। ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, देखते ही मुझे पसंद आया क्योंकि इसका कलर ना बहुत ही थोड़ा डिफरेंट है, इस टाइप का कलर मेरे पास नहीं था। एंड अगेन इस पर भी बटन से डिटेलिंग हुई हुई है जैसे ब्लू स्वेटर में हुई हुई थी। एंड ये भी मुझे जस्ट 150 रुपीज में मिला, सो इसको भी मैंने परचेज कर लिया साथ के साथ। ये भी जीन्स वगैरह के साथ बहुत अच्छा लगेगा एंड ऑल्सो ये स्कर्ट वगैरह के साथ भी बहुत अच्छे से जाएगा। एंड जहां से मैंने ये परचेज किया उसकी मैं लोकेशन आपको बता देती हूँ। जैसे ही आप अगेन मार्केट में जैसे ही एंटर करोगे आप, तो सामने ही आपको ना बहुत सारी शॉप्स दिख जाएंगी, उनमें इस टाइप के टॉप आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, नियॉन कलर के टॉप। एंड वो ना 100, 150, 200 तक में आपको मिल जाएंगे। सो ये वाला मैंने 150 रुपीज में लिया है। टॉप आई गॉट इज दिस। ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा कोरियन लुकिंग टॉप था ये। इस टाइप की नेक है इसकी एंड ये पूरा ऐसे इस टाइप से आता है पूरा कवर करके, इसमें ना ऑरेंज एंड व्हाइट लाइंस वगैरह है। एंड ये भी जस्ट मुझे 150 रुपीज में मिला फ्रॉम द सेम शॉप जहाँ से मैंने पैरेट वाला टॉप लिया था। एंड यहाँ से ना मैंने तीन टॉप लिए, एक पैरेट वाला लिया एंड एक ये वाला लिया, ये वाला भी 150 रुपीज का था। एंड अलॉन्ग विद दीज टू मैंने ये वाला भी परचेज कर लिया, ये बिल्कुल सेम था, पता नहीं इस पे ये कहाँ से आ गया अभी अभी में,
बट ये बिल्कुल सेम है, ऑरेंज वाला एंड व्हाइट वाला बिल्कुल सेम है, एंड ये भी मुझे 150 रुपीज में मिला फ्रॉम द सेम शॉप। या ये सारे थे मेरे टॉप एंड स्वेटर्स वगैरह। एंड मैंने मार्केट से एक जीन्स भी ट्राई की, मैंने सरोजिनी नगर मार्केट से जीन्स एक दो बार ट्राई की हुई है, बट उसकी ना फिटिंग वगैरह अच्छे से नहीं आती, सो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रही थी कि मैं परचेज करूँ या ना करूँ। सो मुझे एक जीन्स बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बहुत ही डिफरेंट कलर था उसका, सो मैंने वो परचेज कर ही ली एंड लकीली वो बहुत ही अच्छे से फिट आई मुझे। दिस इज द जीन्स आई गॉट एंड ये बहुत ही मतलब डिफरेंट कलर लगा मुझे, जो हमारी डेनिम जीन्स होती है ब्लू शेड में वो नहीं था ये, एंड बहुत ही अलग कलर था इसका। सो इस टाइप के मुझे कलर्स है ना ट्राई आउट करने थे, सो मैंने ये ले लिया। MNS कलेक्शन का टैग लगा हुआ था एंड आई एम इन द साइज 28। सो ना बहुत ही मुश्किल होता है जीन्स मिलने में इतने कम साइज में, एंड ना ये हाई वेस्ट जीन्स थी, मुझे हाई वेस्ट ही चाहिए थी, बट मुझे पता नहीं क्यों ये चीज़ देख के हाई वेस्ट लगी नहीं है। सो मैं मना कर रही थी लेने के लिए, बट आई थॉट कि मुझे ले लेना चाहिए, एंड ये मुझे बहुत ही अच्छे से फिट आई। एंड गाइस गेस ये कितने की थी, ये भैया ने मुझे बताई थी 500 रुपीज़ की उन्होंने कोट की थी, एंड मैंने बहुत ही ज़्यादा बार्गेन करके ये जस्ट 200 रुपीज़ में लिया है। सो मुझे ये जीन्स बहुत पसंद है, एंड इसके साथ मैं कोई भी स्वेटर वगैरह पेयर अप कर सकती हूँ, लाइक वाइट कलर बहुत अच्छा लगेगा इसमें, एंड थोड़ा ब्राउन शेड में टॉप वगैरह या स्वेटर वगैरह बहुत अच्छा लगेगा। सो इसको तो मैं बहुत ज़्यादा पहनने वाली हूँ। सो वी आर ओवर विद आर क्लॉथिंग सेक्शन, सो नाउ लेट्स मूव टू ज्वेलरी सेक्शन। सो कुछ मैंने ज्वेलरी आइटम्स वगैरह भी लिया है। सो द फर्स्ट नेक पीस आई गॉट इज दिस, एंड ये ना बहुत बंजारा वाइब दे रहा था, एंड इसका बिल्कुल बहुत ही अच्छी लग रही थी। ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है बेसिकली, एंड ये भी आपको जैसे ही आप मार्केट में एंटर करोगे ना, तो सामने ही cottonkurti.in करके शॉप होगी, शॉप नंबर 101, उसी के नीचे ना भैया बहुत सारे इयररिंग्स एंड नेक पीसेस वगैरह सेल कर रहे होते हैं, एंड वो जस्ट 100-150 रुपीज के होते हैं, सो आप वो शॉप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये ना बहुत ही अच्छे से साउंड भी कर रहा है, सो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। इसको मैं अगर फुल ब्लैक आउटफिट भी पहनूंगी एंड उस पर ये वेयर अप करूंगी तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। सो आप ये वाली शॉप जरूर चेकआउट करना मेरे कहने पे, आपको बहुत ही अच्छे नेक पीसेस दिख जाएंगे वहां पर। एंड मैं इसी वीडियो में ना साइड में ही आपको शो कर दूंगी किस किस टाइप के वहां पे नेक पीसेस एंड इयररिंग्स मिल जाएंगे, सो दैट आपको हेल्प मिल जाए। गेस इट्स प्राइस गाइस, इट वॉज ओनली जस्ट फॉर ₹100, एंड 100 रुपीज में इतना अच्छा नेक पीस मुझे तो कहीं नहीं दिखा। एंड ये ना 3 पीसेस में है एंड वो पूरा जॉइंट है, सो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसमें। देन मैंने 2 बहुत ही बेसिक सी नेक चेन्स ली है, लाइक ये ब्लू स्टोन वाली आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी है, सो ये ली मैंने। एंड ये ना सिल्वर चेन में थी, मुझे गोल्डन चेन में ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, सो मैंने ये सिल्वर चेन में ली। सो ये जस्ट मुझे 30 रुपीज़ का पड़ा, एंड ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बहुत ही छोटा सा ये इसमें पेंडेंट टाइप है ब्लू स्टोन का। देन मैंने ये रेनबो पेंडेंट में भी एक नेक चेन ली है, ये भी सिल्वर ही कलर में थी, एंड ये भी आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी है। मैंने ये इंस्टाग्राम स्टोर पे देखी थी एंड ये 150 या 200 रुपीज़ की थी, बट ये सरोजनी नगर से मुझे जस्ट 30 रुपीज़ की पड़ी। सो दीज वर द ज्वेलरी दैट आई गॉट फ्रॉम सरोजनी नगर, एंड मैंने वहाँ से ना एक फ्लैट्स भी परचेज की थी, एक फुटवेयर भी परचेज की थी। सो दीज आर द फ्लैट्स गाइस, एंड ये भी नियॉन ग्रीन कलर में है, एंड ये मुझे देखते ही पसंद आ गई थी, बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। सोल का स्टाइल है ना, जो शेप है सोल की, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड इसके ना सोल पे थोड़ा बहुत शाइनी कुछ टेक्सचर लगा हुआ है, सो ये बहुत अच्छा लग रहा था, एंड ये जस्ट मुझे 200 रुपीज की पड़ी। सो गाइस द नेक्स्ट आइटम इज दिस, दीज आर द फ्लैट्स दैट आई रिसीव फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड ZOOK. सो ZOOK इज द ब्रांड विच रिटेल्स बैग्स वॉलेट्स एंड फुटवेयर, एंड ऑल द आइटम्स ऑफ ZOOK आर हैंड क्राफ्टेड एंड क्रुअल्टी फ्री, एंड द कलर्स दे हैव यूज लाइक ब्लू एंड ग्रे कलर आर रियली वेरी कॉम्प्लीमेंटिंग विद ईच अदर। जब भी हम कोई फुटवेयर वगैरह परचेज करते हैं, वी एंड अप हैविंग ब्लिस्टर्स इन आवर फीट, फॉर दैट इट्स द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज इट हैज स्पॉन्ज ऑन द अपर साइड ऑफ द सोल विच मेक्स इट रियली वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर फुटवेयर एंड इवन मोर कम्फर्टेबल। एंड द बेस्ट पार्ट फॉर दीज फुटवेयर्स आर they can go really very well for various kinds of looks, like whether it's a office look, party look, casual look or even ethnic look, ye sabke sath hi bahut hi zyada achhi lagegi।
अनुष्का 15, सो यू विल गेट 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट. सो मैं इंस्टाग्राम स्टोर का लिंक इनका एंड वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ मेंशन कर दूंगी, सो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं. एंड या गाइस, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको मेरा ये हॉल वीडियो काफी पसंद आया हो. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो. एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.